बचपन से सार्वजनिक जीवन के हर रास्ते को सफलता की ओर मोड़ने के लिए गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत है। हालांकि गुरु शब्द एक है, इसके कई रूप हैं और वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्वरोजगार का पाठ पढ़ाना गुरु समुदाय का गौरव है, ऐसा विधायक किशोर जोरगेवार ने कहा। युवा चंदा ब्रिगेड के महिला मोर्चा की ओर से बाबूपेट के महादेव मंदिर में पारंपरिक गुरु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जोरगेवार ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है, इसलिए स्वरोजगार की ओर मुड़ने के लिए देखभाल की आवश्यकता होती है, ऐसे योग्य गुरु की आवश्यकता है। इसमें बहुत से लोग जो व्यापार में दक्ष हैं, वे दूसरों को अपना हुनर देकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। विधायक किशोर जोरगेवार ने कहा कि समाज को भी इतने ज्ञान वाले गुरु की जरूरत है, इसलिए ऐसे गुरु का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा चंदा ब्रिगेड को हर साल यह आयोजन करना चाहिए। युवा चंदा ब्रिगेड के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए हम समाज के सभी वर्गों को छूकर न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। उन्होंने इस बात पर भी संतोष व्यक्त किया कि यंग चंदा ब्रिगेड के कार्यकर्ता भी इस दिशा में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन सरोज चांडेकर ने किया, इसलिए युवा चंदा ब्रिगेड के महिला मोर्चा ने आयोजन की सफलता के लिए कड़ी मेहनत की। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552271186, 9322899635। चंद्रपुर नगर निगम चंद्रपुर प्रभाग समिति सभापति पद के लिए गुरुवार 5 अगस्त को पीठासीन अधिकारी और जिला कलेक्टर अजय गुल्हाने की अध्यक्षता में निगम के नए प्रशासनिक भवन के रानी हिरई हाल में विशेष बैठक की गई। जोन कमेटी नंबर 1 की सभापति छब्बू वेरागड़े, जोन 2 की सभापति खुशबू चौधरी और जोन 3 के सभापति अली अहमद मंसूर चुने गए। जोन कमेटी 3 से भारतीय जनता पार्टी के सोपान जैन भाव वायकर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अली अहमद मंसूर ने नामांकन दाखिल किया था, इसलिए जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार इस पद के लिए चुनाव कराया गया। उपस्थित 20 सदस्यों ने हाथ उठाकर मतदान किया। इनमें दोनों उम्मीदवारों को समान अंक यानी 10-10 वोट मिले, इसलिए ईश्वर चिट्ठी विधि द्वारा चयन की घोषणा की गई, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अली अहमद मंसूर जीत गए। नमस्ते नागपुर, मैं एडवोकेट काजल त्रिवेदी। नागपुर में एक नया न्यूज़ चैनल स्टार्ट होने वाला है यूट्यूब पे। सर राजेश नायडू सर स्टार्ट कर रहे हैं पार्थशर न्यूज़ चैनल, सो प्लीज़ सपोर्ट हिम एंड मेरी विशेष उनके साथ है। हेलो नागपुर, मैं एडवोकेट मोहित रेड्डी, स्पोर्ट्स सेल फाउंडर डायरेक्टर। नागपुर में बहुत जल्द एक नया पार्थशर न्यूज़ चैनल शुरू होने जा रहा है। इस नई शुरुआत के लिए मेरे और मेरी पूरी टीम के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नागपुर शहर के अलावा तालुका शहरों के साथ साथ राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर आलिशान फार्म हाउस स्थापित किए गए हैं। यह स्पष्ट हो गया है कि अधिकांश फार्म हाउसों का उपयोग रहने के लिए कम और अवैध और अनैतिक व्यवसायों के लिए अधिक किया जा रहा है। नागपुर के 9 प्रमुख मार्गों पर 785 से अधिक फार्म हाउस हैं। राजस्व विभाग बुनियादी जीवन यापन या कृषि कार्य के लिए खेत पर घर बनाने की अनुमति देता है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको घर का रजिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत में कराना होगा। राजस्व की भाषा में इसे फार्म हाउस कहते हैं। यदि आप फार्म हाउस बनाना चाहते हैं तो आपको कलेक्टर, अनुमंडल पदाधिकारी या तहसीलदार से अनुमति लेनी होगी। मेतरा क्षेत्र में एक फार्म हाउस के लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य है। हालांकि अधिकांश फार्म हाउसों का राजस्व विभाग के पास रिकॉर्ड नहीं है। कांदली, नागपुर, मोदा राष्ट्रीय राजमार्ग 6 में और उसके आसपास कम से कम 300 फार्म हाउस हैं। कंधाली क्षेत्र के रिंगना बेड़ी के एक फार्म हाउस से 8 क्विंटल गांजा जब्त किया गया। इसी उपनगर के एक अन्य फार्म हाउस से 36 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 43 लाख रुपए जब्त किए गए। सतनावरी क्षेत्र के एक फार्म हाउस में इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट मैचों पर सट्टा स्वीकार किया गया था। इस फार्म हाउस से 15 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। बूटी बेरी, नागपुर, देवलापार राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के आसपास कम से कम 200 फार्म हाउस हैं। इस फार्म हाउस का इस्तेमाल जुए, शराब, पीने की पार्टियों और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है। कुछ फार्म हाउस जोड़ों को अनैतिक यौन संबंध स्थापित करने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
एनडी बेकर्स, फ्रेश एंड डिलीशियस केक्स, चीज केक्स, डिजर्ट्स, पेस्ट्रीज, ब्राउनी, पफ, ब्रेड्स, कुकीज, खारी एंड डोनट्स, होम डिलीवरी अवेलेबल। लव दाई बेक्स, एनडी बेकर्स, फ्रेशली बेक्ड, केयर ऑफ द एनडी होटल, नागपुर रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 7744844446। रवि दहिया ने भारत को ओलंपिक में कुश्ती का सिल्वर मेडल दिलाया है। गुरुवार शाम को गोल्ड मेडल के लिए जारी मुकाबले में वो रूस के पहलवान को मात नहीं दे सके, लेकिन चांदी लेकर भारत लौट रहे हैं। रवि दहिया को रूस के पहलवान जबूर उगुएव से 57 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल कैटेगरी में हार का सामना करना पड़ा। मुकाबले की शुरुआत से ही रूसी पहलवान जबूर गुएव ने अपनी बढ़त बना ली थी, जिसे रवि दहिया कड़ी टक्कर देने के बाद भी अंत तक खत्म नहीं कर पाए। रवि ने पहले पीरियड की शुरुआत में 2-2 की बराबरी कर ली थी, लेकिन फिर रूसी पहलवान ने जबरदस्त वापसी करते हुए स्कोर को 4-2 कर दिया था। इसके बाद रूसी पहलवान ने रवि को कोई मौका नहीं दिया। एक समय पर जबूर उगुएव 7-2 से आगे चल रहे थे, लेकिन तभी रवि दहिया ने 2 पॉइंट और हासिल कर लिए, लेकिन मुकाबला नहीं हासिल कर सके। अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203।